इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर को कैसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और कैसे पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैंने दो ट्रांसफार्मर ले लिया है, दोनों ट्रांसफार्मर का रेटिंग सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वोल्टेज सेम है, सब कुछ दोनों ट्रांसफार्मर का सेम है। ये बात आपके दिमाग में डाल लो कि पैरेलली कनेक्शन करने से पहले आपको दोनों का ट्रांसफार्मर का सब कुछ देख लेना है, सब दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट का एसी सप्लाई दे दिया है और इसके सेकेंडरी साइड से 12 वोल्ट एसी आउटपुट निकल रहा है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसफार्मर को सीरीज में कनेक्ट कर, उससे पहले मैं वोल्टेज मेजर कर लूंगा। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए सेकेंडरी में ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर है, इस ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे मैं सेकेंडरी वोल्टेज को देख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर 12 वोल्ट सेकेंडरी से आउटपुट हो रहा है। नीचे वाला जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जैसे मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा, तब यहाँ पर भी 12 वोल्टेज का मुझे आउटपुट देख रहा है। ठीक है, आप अपने अंदाजे से कोई भी दो टर्मिनल को, ध्यान से सुनो, कोई भी दो टर्मिनल को आप एक साथ जोड़ दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले ट्रांसफार्मर का नीचे वाला टर्मिनल एंड नीचे वाला ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला जो टर्मिनल है, एक साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ कनेक्ट करने से क्या होगा, बैटरी जैसे सीरीज में कनेक्ट होता है, ऐसे ये सीरीज में कनेक्ट हो जा रहा है। लेकिन 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 सुनो, ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा अलग है बैटरी से। अब यहाँ पर बाकी क्या क्या रह गया है, बाकी यहाँ पर दो टर्मिनल रह गया है, ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों टर्मिनल पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँगा। अगर वोल्ट मीटर पे 24 वोल्टेज दिखता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऊपर वाले ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल अगर लो टेंशन साइड है और नीचे वाला ट्रांसफार्मर का ये हाई टेंशन साइड आपने कनेक्ट किया है, तो भी इन दोनों का जो वोल्टेज है वो एक साथ जुड़कर 24 वोल्ट हुआ। अगर आपको ये दिखता है कि दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद जो वोल्टेज आउटपुट दे रहा है वो 0 या फिर 0 से 1 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा आप दोनों ट्रांसफार्मर का सेम टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। मतलब ये टर्मिनल ऊपर वाला ट्रांसफार्मर का ये टर्मिनल पॉजिटिव साइड है और नीचे वाले का ये टर्मिनल भी पॉजिटिव साइड है। जैसे ही दोनों सेम टर्मिनल को आप जैसे ही जोड़ कर आप चेक करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, एक दूसरे को ऑपोज करके टोटल वोल्टेज यहाँ पर 0 दिख जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 0 से 1 वोल्टेज आपको दिखता है। इससे आप सीरीज में तो कनेक्ट इजिली कर दोगे और पैरेलली देखो, अगर ये दोनों टर्मिनल सेम है तो ये तो आपको सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हो आपको पता चल जाएगा। अगर सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो पैरेलली तो इजी कनेक्ट कर दोगे। कैसे कनेक्ट करोगे, दोनों टर्मिनल को, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों टर्मिनल को एक साथ जोड़ दोगे, पैरेलली कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप लोड लगा सकते हो, लोड तो लोड के हिसाब से मैं यहाँ पर लाइट कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो अब करंट दोनों ट्रांसफार्मर से ही सेम करंट निकलेगा, ठीक है, क्योंकि लोड यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगा। तो यही तो है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सीरीज और पैरेलली में कनेक्ट करने से पहले आपको ट्रांसफार्मर का जो पोलरिटी है उसे चेक करना पड़ेगा कि सेम पोलरिटी पे मैंने कनेक्ट किया है या फिर नहीं, और कुछ नहीं। अगर आप भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ।